यहाँ पर है यूरोमेटिक्स या स्पाइनी टेलर लिजार्ड। यूरोमेटिक्स और यहाँ पर फाइलम का डेटा चल रहा है और यहाँ पर नेक्स्ट एनिमल है यूरोमेटिक्स। तो इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देख लें, इसका यहाँ पर क्लासिफिकेशन यानी सिस्टमेटिक फाइलम का डेटा और सब फाइलम वर्टिब्रेटा सब डिवीजन यहाँ पर है। और गैंथोस्टोमेटा मीन्स होता है जा वाला एनिमल जिसमें जबड़ा पाया जाता है। और सुपर क्लास टेटापोडा है, इसका क्लास रेप्टिलिया है। सुपर क्लास और सब क्लास यहाँ पर डाइसेप्टा और सब आर्डर है लेपिडोफ्यूरिया और आर्डर है यहाँ पर स्क्वामोटा और सब आर्डर है लेसिटिया और फैमिली है अगेमिडी और टाइप है यहाँ पर यूरोमेटिक्स या स्पाइनी टेलर लिजार्ड जिसे कॉमन नेम है इसका। द बॉडी ऑफ यूरोमेटिक्स इज डिवाइडेड इनटू हेड नेक ट्रंक एंड टेल। तो आंसर पहले का पहला ही हो जाएगा आंसर। पहले का पहला हो जाएगा हेड नेक ट्रंक एंड टेल। यूरोमेटिक्स कॉमनली नाउन एज स्पाइनी टेलर लिजार्ड शेडिंग ऑफ द स्केली कवरिंग पीरियोडिकली इन द फ्लैक्स इज। तो उसे कहते हैं जो कि कवरिंग है उसे, मतलब जो टार्जन जैसे पाया जाता है मोलस्का में उसी तरीका से रेप्टिलिया में। मोलस्का एक फाइलम है और यहाँ पर कार्डेटा का एनिमल है यूरोमेटिक्स। इसमें शेडिंग ऑफ स्केली कवरिंग है उसको हटाने की प्रक्रिया को शेडिंग अप कहते हैं। जैसे कि टीनिया सोली में ग्रेविड प्रोलेटर होते हैं शेडिंग होते हैं उसी पीरियडिकली एक समय अंतराल फ्लेक्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जैसे धान के छिकले उसी तरीके से। तो उसे क्या कहते हैं उस शेडिंग अप स्केली कवरिंग को एक समय अंतराल हटने की प्रक्रिया को। यहाँ पर जो यूरोमेटिक्स है उसको उसमें क्या कहते हैं इसके, तो इसमें कहते हैं मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण। और दूसरा हो जाएगा लिप्स गार्डिंग माउथ इन यूरोमेटिक्स आर। तो जो लिप्स हैं जो गार्ड करते हैं माउथ को, तो वो कौन से होते हैं किस तरीके से होते हैं। फोर का आंसर डी सही होगा। फ्लेसी एंड मूवेबल। इन यूरोमेटिक्स पेरिनिक्स लीड टू द इसोफेगस थ्रू अन अपर्चस द अपर्चस है गलेट। एक यूरोमेटिक्स है जो पेरिनिक्स है जो कि पेरिनिक्स इन यूरोमेटिक्स जो पेरिनिक्स है लीड टू इसोफेगस थ्रू द अपर्चस गलेट। गलेट के द्वारा जो है पेरिनिक्स को इसोफेगस यूरोमेटिक्स जो पेरिनिक्स है वो इसोफेगस का रास्ता दिखाती है गलेट द्वारा प्रदर्शित होती है। इन यूरोमेटिक्स लीवर इज अटैच टू द बॉडी वॉल बाय द पेरिटोनियल फोल्ड कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं जो लीवर है वो गार्ड अटैच होता है पेरिटोनियल वॉल, तो उसे पेरिटोनियल फोल्ड उसे क्या कहते हैं। सिक्स का आंसर बी सही होगा, हेपेटिक ओमेंटम। इन यूरोमेटिक्स क्लोएका इज डिवाइडेड इनटू, तो यूरोमेटिक में जो क्लोएका है वो डिवाइडेड होता है प्रोकार्डियम यूरोकार्डियम एंड प्रोक्टेडियम। तो क्लोएका है ये थ्री भाग में डिवाइड होता है। आंसर सी सही होगा सेवन का, बाल ऑफ द लैरिनिक्स आर द बाल ऑफ लैरिनिक्स आर द सपोर्टेड बाई। तो जो बाल है लैरिनिक्स की वो सपोर्ट होती है। आंसर डी सही होगा एट का, एट्रिनॉइड एंड क्रिनॉइड कार्टिलेज।
राइट एंड लेफ्ट सिस्टमेटिक कैंस आर्चेस कम्युनिकेट थ्रू, तो राइट और लेफ्ट जो सिस्टमेटिक अकेंस होते हैं, आर्चेस आर्चेस होते हैं, तो वो कम्युनिकेट किसके द्वारा करते हैं एक दूसरे से। तो नाइन का आंसर एक सही हुआ, फोरामेन फेनेंजी, जो कि रेप्टेलिया का एक विशेष करेक्टर है, क्लास रेप्टेलिया। और फर्टिलाइजेड एग प्रोवाइडेड विद द सेल इन, तो जो फर्टिलाइजेड एग है और उसमें सेल पाई जाती है, तो 10 का आंसर एक सही होगा, ओविडुकल फूनल में। और 10 का आंसर भी सही होगा, ओबीसेक में। तो स्टडी ऑफ द रेप्टाइल्स इज नाउन एज, तो रेप्टाइल की स्टडी को क्या कहते हैं, तो मछली के अध्ययन को कहते हैं इक्टियोलॉजी, हेट्रोपेन हापा हर्पेंटोलॉजी मोलस्का को कहते हैं, ऑर्थिनोलॉजी और तो पहले का पहला ही हो जाएगा हर्पेंटोलॉजी। तो स्त्री आप रेप्टाइल कहते हैं हर्पेंटेलोजी, आंसर यहाँ पर एक सही होगा। टोटलेस है, तो टोटलेस एक है, क्या है टोटलेस, और यहाँ पर कछुआ को कहते हैं, जो टोटलेस है वो एक यहाँ पर टोटलेस है, हार्नी बीक, हार्नी बीक यहाँ पर बी सही होगा। हॉर्नी बी दूसरे का अंदर दूसरा होगा, और यहाँ पर इंटरक्लेविकल इन रेप्टाइल्स इज, तो इंटरक्लेविकल रेप्टाइल में कि टी शेप्ड होती है, जो कि यूरोमेटिक्स है। तीसरे का आंसर सी सही होगा। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द रेप्टाइल आर, तो रेप्टाइल में एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, तो यहाँ पर एमनियोन कोरियोन योक्सेक एलेटॉइड्स, आंसर डी सही होगा। एमनियोन कोरियोन योक्सेक एंड एलेटॉइन, यानी चार मेम्ब्रेन होती हैं। टोटलेस हैव इंक्लूड इन द आर्डर, तो इंक्लूडेड तो आर्डर में कौन से में आता है टोटलेस, फाइव का आंसर एक सही होगा, क्लेलोनिया, कैलोनिया। टुटुआरा टू टुआरा बिलोंग टू द आर्डर, और सिक्स का आंसर बी सही होगा, रिंकोसिफेलिया। बेजाइनल हाइंड लिम्स, बेजाइनल हाइंड लिम्स एंड पेल्विक क्रिडिल आर प्रेजेंट इन, सेवन का आंसर सी सही होगा, बोया बोआ। ओपीसीओ ओपीसोरस बिलोंग टू, तो ओपीसोरस है किससे बिलोंग करता है, लेक्सरी टीलिया, लेसर टीलिया, लेक्सर टीलिया। हार्ट इन द क्रोकोडाइल्स, तो क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल्स है जिसमें फोर चेम्बर्ड और हार्ट पाए जाते हैं, नाइन का एक सही होगा, कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, बाकी सारे रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड पाए जाते हैं। एक्सेप्शनल केस है जिसमें यहाँ पर रेप्टाइल है या पर क्रोकोडाइल, उसमें उसके बावजूद भी सारे रेप्टाइल में पाए जाते हैं थ्री चैम्बर्ड हार्ट, मगर यहाँ पर इसमें जो है फोर चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। बर्ड और मामल्स में थ्री चैम्बर्ड फोर चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं, तो आंसर यहाँ पर पहला ही सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द ओनली इन इंडिया एंड इज द वन बेर्ज ऑफ द एक्टिंगशन, टेन का आंसर यहाँ पर सी सही होगा, यहाँ पर गैबियलिस। क्रोकोडाइलियंस हैव, तो क्रोकोडाइलियंस से यहाँ पर क्या चीज़ पूछ रहा है, क्रोकोडाइलियन में तीत के बारे में पूछ रहा है, तो आंसर यहाँ पर 11 का आंसर सी सही होगा, होमोडेंट टीथ।
तीत इन क्रोकोडाइल्स आर, तो क्रोकोडाइल में तीत जो है, 12 का आंसर, 12 का आंसर यहाँ पर बी सही होगा, थीकोडंट टाइप, थीकोडंट और होमोडंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द रिमोरिया, तो रिमोरिया के लिए क्या सत्य नहीं है बता रहा है, तो आंसर एक सही होगा, स्कूल इज द फ्लैट विद द हाई डिग्री ऑफ द ओसिफिकेशन, ये है जो सत्य नहीं है और बाकी सारे सत्य हैं, तो आंसर हमारा पहला ही सही होगा, पहले का। हेलो। तो पहले का आंसर पहला ही सही होगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेप्टाइलियन कैरेक्टर्स सीमोरियन, तो यहाँ पर दूसरे का आंसर भी दूसरा सही होगा, स्कूल फ्लैट विद द रेडोस ओसिफिकेशन, क्या रिपीट हुआ, क्या रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, एक दो में एक ही क्वेश्चन है क्या, रिपीट नहीं हुआ, लग रही है। द एज ऑफ रेप्टाइल्स, तो रेप्टाइल की जो एज है यहाँ पर, रेप्टाइलियन की एज है, आंसर सी सही होगा, 3 का, मीजो जो ही कह रहा। मामल्स लाइक रेप्टाइल बिलोंग टू द, मामल्स लाइक रेप्टाइल्स जो हैं कौन से यहाँ पर बिलोंग करते हैं किससे, तो 4 का आंसर डी सही होगा, सिनेप्सिड लाइन। अब यहाँ पर बल लाइन क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पर यूरोमेट्रिक्स का डायग्राम है, यहाँ पर कंप्लीट डायग्राम है यूरोमेट्रिक्स का जो आप देख रहे हैं, यूरोमेट्रिक्स ये अपर माउथ है ये, और ये नेक है, और फोर लिम्प, बॉडी के बारे में पूछ रहा था, तो यहाँ पर हेड हेड नेक, हेड नेक थोरेक्स, अब ट्रंक, ये ट्रंक, हेड नेक ट्रंक एंड यहाँ पर टेल, ये 3 पार्ट में, हेड ट्रंक टेल, पहले यहाँ पर हेड नेक ट्रंक टेल, यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड होता है यूरोमेटिस का बॉडी, और यहाँ पर नेक है, ये फोर लिम्स है, ये पोलेक्स है, और यहाँ पर ये क्लाउस फिंगर है, हाइंड लेंग्स हैं, आर्ची बैक्टीरिया, आर्ची आर्ची एंटी ब्रांचम है, और यहाँ पर ब्रांचम ही है, एक्सटर्नल नारेस है यानी नोस्टिल, और आईज हैं यहाँ पर, पनपेया हेड है यहाँ पर, और टिम्पेनम जो कि पाया जाता है एम्फीबिया में पाया जाता है यानी फ्रॉग में, एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल कान की जगह पे टिम्पेनम, ईयर की जगह पाया जाता है फ्रॉग में भी, एयर ओपनिंग है यहाँ पर जिसे टिम्पेनम कहते हैं या एक्सटर्नल एयर ओपनिंग कहते हैं, स्केल्स हैं ये इस तरह से, स्केल्स हैं ये, और यहाँ पर हैंड लिम्स हैं, ये थाई है, शार्क है, सेन की यहाँ पर ये फूट है, ये क्लाउड टोज हैं, और ये पोलेक्स हैं जिसे जिसमें बहुत, ये बेली है, ये स्पाइन ट्रांजबन, और यहाँ पर स्पाइंस हैं, ये स्पाइंस जिसे स्पाइनी टेली रिजार्ट कहते हैं, तो होल डायग्राम है ये यूरोमेटिस का, स्पाइनी टेली लिजार्ड यूरोमेटिस को कमनली कहते हैं, यूरोमेटिक्स हार्ड वीकी जिसका कॉमन नेम है स्पाइनी टेली, यूरोमेटिक्स बिलोंग टू द क्लास रेप्टेलिया, और सब क्लास यहाँ पर यूरोमेटिक्स का है डाइसिडा, डाइप्सिडा, यूरोमेटिक्स बिलोंग टू द ऑर्डर ऑफ द स्क्वामोटा जो कि स्नेक भी है इसी क्लास का, और यहाँ पर यूरोमेटिक्स कॉमनली कॉल्ड द स्पाइनी टेली लिजार्ड, यूरोमेटिक्स इज ए डाई अर्नल, राज तिलक 1982 हैज गिवन ए एनाटोमी ऑफ द अकाउंट एंड द बाई नोमियल ऑफ द यूरोमेटिक्स हार्ड विकी, यूरोमेटिक्स इज ए ब्रोइंग लिजार्ड, जो ब्रोइंग बनाकर रहती है उसे ब्रोइंग लिजार्ड कहते हैं, यूरोमेटिक्स इज ए लिव इन द ब्रोइंग एंड टूनल इन स्टिंगजोंग एंड टू बन एंड बन टू वन से लेकर 2 मीटर तक टूनल, मैसिव एंड स्पाइनी टेल आल्सो सर्व एज द
वीपन फॉर द डिफेंस। यूरोमेटिक्स फीड ऑन, तो यूरोमेटिक ग्रासेस फ्लावर्स फ्रूट्स सकुलेंट्स प्लांट लीव्स एंड बिल्ड स्नैक्स बिल्ड श्रूप्स एंड द ट्रीज। हाइबरनेशन इन यूरोमेटिक्स, हाइबरनेशन या विंटर स्लीपिंग कहते हैं इसे। इन यूरोमेटिक्स अंडर द गोज हाइबरनेशन इन द आर्डर टू अवॉइड द कोल्ड सीजन। कोल्ड सीजन में यहाँ पर हाइबरनेशन होता है, इसे कोल्ड सीजन में स्लीपिंग कहते हैं। विंटर स्लीपिंग या कोल्ड स्लीपिंग या विंटर स्लीपिंग कहते हैं हाइबरनेशन। फर्टिलाइजेशन यूरोमेटिक्स इंटरनल होता है। स्पाइनी टेली लिजार्ड इज ओबीपेराउस लाइंग अबाउट 10 to 15 सेलेड एग्स। क्लीवेज इन यूरोमेटिक्स इज क्लीवेज इन मीरोब्लास्टिक इन यूरोमेटिक्स। ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फैट बॉडीज इज सोल्ड बाई यूज एज द कर फॉर द इम्पोर्टेंस एंड यूज एज द इम्ब्रोकेशंस मसाज। द पावर ऑफ द आईज मिक्सड विद द काजल इज द क्रेडिट फॉर द क्यूरिंग कर्नियल ओपेसिटी। बोनी बॉडी ऑफ द यूरोमेटिक्स डिवाइडेड इंटू द हेड नेक ट्रंक टेल फोर पार्ट में। द पपिल आईज इन द यूरोमेटिक्स हैज थ्री वेल डेवलप्ड एंड द मूवेबल आईलिड्स। जो यूरोमेटिक्स के यंग हैं उसमें अपन मूवेबल आईलिड्स पाई जाती है। द माउथ ऑफ द यूरोमेटिक्स बाउंडेड बाई द इमोबल लिप्स कवरिंग विद द स्केल्स। यूरोमेटिक्स टेलेड इस मसल्स ईटन बाई, तो जो यूरोमेटिक्स है टेलेड मसल्स हैं तो किसके द्वारा खाई जाती है, ट्राइबल पीपल यानी आदिवासी एंड कंसीडर ए डेलिकेसी। थर्ड आईज आर द नेक्टेक्टिंग मेम्ब्रेन फाउंड इन द यूरोमेटिक्स एंड द फ्रॉग। एक्सटर्नल एयर ओपनिंग आर द ऑडिटरी मीट्स फाउंड इन द यूरोमेटिक्स एंड फ्रॉग। द टेल ऑफ द यूरोमेटिक्स इज, तो जो यूरोमेटिक्स की टेल है डार्सल सरफेस डार्सल सरफेस ऑफ द टेल इज कवर्ड विद द होल स्पाइंस। अपेंडेज ऑन द लिम्स आर, तो अपेंडेज ऑन द लिम्स आर होते हैं स्ट्रॉन्ग वेल डेवलप्ड मसल्स मस्कुलर एंड द पेंटर डक्टाइल। दे आर द अडेप्टेड फॉर द टेरिटियल लाइफ, तो स्पाइन है टेरिटियल लाइफ के लिए अडेप्ट होते हैं। फोर लिम्स ऑफ यूरोमेटिक्स इज, तो जो फोर लिम्स हैं यूरोमेटिक्स के वो है अपर आर्म। फोर लिम्स हैं जो अपर आर्म्स है ब्रांकियम कहते हैं जिसे, और फोर आर्म्स एंटी ब्रांकियम एंड द हैंड माइनस। फोर आर्म में यहाँ पर ब्रांकियम एंड एंटी ब्रांकियम पाया जाता है यहाँ पर, जिसे माइनस भी कहते हैं। फोर आर्म में एंटी ब्रेकियम ब्रांकियम एंड एंटी ब्रांकियम दोनों लिप्स पाए जाते हैं। हाइंड लिम्स ऑफ यूरोमेटिक्स इज, तो प्रोमैक्सिल थाई मिडल सार्क एंड द क्रसस ये चीज़ें पाई जाती हैं एंड डिजिटल फूट और पैस पाया जाता है। हाइंड लिम्स फूट पैस हैज, जो हैंड लिम फूट पेस है उसमें फाइव क्लॉथ होते हैं। फाइव क्लॉथ ट्वाइस फर्स्ट ट्वाइज कॉल्ड द हेलेप्स होलेप्स एंड इट इज द स्मॉलेस्ट देन द पोअर फोर लार्जेस्ट। एक यहाँ पर जो जो हैंड लिम्स हैं यहाँ पर इसमें चार लिम्स पाए जाते हैं, ये फाइव पाए जाते हैं जिसमें एक लार्ज होता है जिसे होलेस कहते हैं होलेज एंड इट इज द स्मॉलेस्ट होता है और फोर बड़े होते हैं। पियरनोफोरम्स पोर्स आर इन यूरोमेटिक्स बेंटल सरफेस पर पाया जाता है जो कि 2 से 18
माइनेट पावर होते हैं। प्रिस्नो फॉर्मेरियल पोर्स सिक्रेटिंग, जो प्रिस्नो फॉर्मेरियल पोर्स होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, हॉर्नी सक्रेशन, हॉर्नी सक्रेशन होता है जो कि दैट फॉर्म द टेम्पोरल स्पाइनी विच इज हेल्प इन द ग्रास्पिंग द फीमेल डूरिंग मेटिंग। जो फीमेलिनो पर्सिनो फीमेरियल पोर्स होते हैं जो सक्रेट होते हैं यहाँ पर ग्रास्पिंग करने के लिए यहाँ पर फीमेल डूरिंग द ग्रास्पिंग टू फीमेल डूरिंग द मैटिंग। एक्जो स्केलेटन ऑफ यूरोमेटिक्स इज स्केल एंड क्लास होता है। आईज क्लास ऑफ यूरोमेटिक्स, आईज क्लास ऑफ यूरोमेटिक्स हैज मेड अप ऑफ बाई डोर्सल एंड द वेंट्रल स्केल्स लाइक हॉर्नी प्लेट्स इज कॉल्ड द डोर्सल प्लेट अनगोइस एंड द वेंट्रल प्लेट सब अनगोइस। द कार्पोलेटरी सेक्स आर द हेमी स्पाइंस इन मेल इज द ओपन वाई इज फाउंड इन ए पेयर ऑफ द ओपन इन टू द ए पेयर प्रोट प्रोट अपर्चर्स होता है ओपन इन टू द ओपन इसमें होता है ए पेयर और यहाँ पर दूसरा है प्रोट प्रोक्टोडियम एंड क्लोइका, प्रोक्टोडियम ऑफ क्लोइका का। प्रिनो फीमेल पोर फाउंड इन, तो प्रिनो फीमेल यहाँ पर है मोर प्रोमिनेंट इन द मेल इन फीमेल देन फीमेल से ज़्यादा मेल में पाए जाते हैं प्रोमिनेंट रहते हैं जो कि यूरोमेटिक्स में। स्पाइनी इंटूमेंट ऑफ यूरोमेटिक्स आर द रिप्टाइल्स इज फुली अडेप्टेड फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ। आउटर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस इज, तो आउटर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस है स्टर्नम कोरिनम। इनर लेयर ऑफ द यूरोमेटिक्स इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टर्नम इज जर्मिनेटम। आउटर लेयर है यहाँ पर कोरिनियम और इनर लेयर है जर्मिनेटम। टीथ ऑफ द यूरोमेटिक्स डिवाइडेड डायरीवेट बाउंडेड बाई डायरीवेट या बाउंडेड वन बाई प्रोमेक्जल एंड द प्रोमेक्जली एंड द मैगजली ऑफ द अपर जा एंड डेंटरीज लोअर जा। यूरोमेटिक्स हैज टीथ अक्रोडेंट टाइप टीथ, अक्रोडेंट टाइप टीथ पाए जाते हैं। यूरोमेटिक्स हैज फोर इंसीजर टीथ इन द अपर जा। टांग ऑफ द यूरोमेटिक सीज, तो ट्राई एंगुलर हैज ग्लैंडुलर पैपिली हैव द टेस्ट बड्स। क्लोइका ऑफ द यूरोमेटिक्स सर्व एज द रीऑब्जर्वेशन वाटर फ्रॉम द फीसेस एंड यूरिन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द यूरोमेटिक सीज ए पेयर ऑफ द लंग्स लाइज ऑन द थोरैक कैविटी। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ यूरोमेटिक्स यहाँ पर पेयर ऑफ द लंग्स, ये पेयर लंग्स होते हैं लाइज ऑन द थोरी कैविटी वन ऑन द आइदर साइड ऑफ द हार्ट। तो यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं वन पेयर एक पेयर यहाँ पर लंग्स होते हैं। डिहाइड्रेटेड फीसेस एंड द यूरिन यूरोमेटिक्स कॉल्ड द प्लेटेट आर द सिलेंड्रिकल कास्टिंग। हार्ट ऑफ द बर्ड सीज, तो बर्ड में फोर चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं, मामल्स में फोर चैम्बर्ड पाए जाते हैं। हार्ट ऑफ द रेप्टाइल थ्री चैम्बर्ड पाए जाते हैं और एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर्ड पाए जाते हैं। हार्ट ऑफ द मामल्स इज फोर चैम्बर्ड। हार्ट ऑफ द हार्ट चैम्बर ऑफ द एम्फीबिया एंड द रेप्टाइल आर द थ्री चैम्बर्ड हार्ट। एम्फीबिया में टू आर्टिया पाए जाते हैं वन वेंट्रल वेंट्रिकल। रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द यूरोमेटिक्स इज एक्सटर्नल नारेस एंड द नोजल चैम्बर्स। बर्ड एंड मामल्स आर जो वार्म ब्लडेड आर होमियोथर्म्स थर्माउस। यूरोमेटिक्स इज ए आर द रेप्टाइल आर कोल्ड ब्लडेड आर द पोइकोथर्माउस।
यूरोमेटिक्स आर द रेप्टाइल्स हैव हाफ ऑफ हीमोग्लोबिन और टू कैरिंग ऑफ द टू मामल्स। हार्ट ऑफ द यूरोमेटिक्स लाइज ऑन द मिड वेंट्रली। पेरिकार्डियम इज ए, तो पेरिकार्डियम ए टू लेयर्ड ट्रांसपेरेंट सैक होती है जो कि हार्ट को कवर करती है। क्लोइका ऑफ द यूरोमेटिक्स इज डिवाइडेड इनटू द थ्री चैम्बर्ड प्रोकार्डियम प्रोडियम जो कि एंटीरियर चैम्बर्ड है, और यूरोडियम जो कि मिडिल चैम्बर्ड है, और प्रोक्टोडियम जो कि पोस्टीरियर चैम्बर्ड, थ्री पार्ट में बटा होता है। वर्ड एंड मामल्स आर द वार्म ब्लडेड होमियोथर्मस एनिमल होते हैं। रेप्टाइल आर द यूरोमेटिक्स इज ए रेप्टाइल आर यूरोमेटिक्स एंड लिजार्ड आर द कोल्ड ब्लडेड आर द पोकियोथर्मस। किडनी ऑफ द यूरोमेटिक्स मीटोन मेटानेफ्रिक होती हैं। आल रेप्टाइल्स आर यूरोमेटिक्स आर द एक्सक्रिएट यूरिक एसिड सो इट इज द कॉल्ड द यूरोकोटेलिक। हेमी स्पाइंस आप यूरोमेटिक्स आर द कापुलेटरी सेक्स होता है सेक। अबाउट लाइंग एग ऑफ द यूरोमेटिक्स 15 एग्स। फर्टिलाइजेशन यूरोमेटिक्स आर इंटरनल होता है, और इंडो स्केलेटन ऑफ द यूरोमेटिक्स आर द बार्नस इज द पार्टली कार्टिलेज एंड पार्टली बोन्स। ईच क्लास ऑफ द यूरोमेटिक्स मेड अप बाई द डोर्सल एंड वेंट्रल स्केल्स लाइक हॉर्निंग प्लेट्स इज कॉल्ड द डोर्सल प्लेट अनग्रोस एंड द वेंट्रल प्लेट अनग्रोस। यहाँ पर रिपीट हुआ लग रहा है ये। टीथ ऑफ यूरोमेटिक्स इज एंड प्रेजेंट ऑन पेरेमैक्जिला, यहाँ पर मैक्जिला एंड प्रेजेंट ऑन द डेंटरी बोन्स। सेंस ऑर्गन सेंस कैप्सूल इन यूरोमेटिक्स इज ओफ्लेक्टरी कैप्सूल एंड बॉमर। अपर एंड लोअर जॉ ऑफ द यूरोमेटिक्स कंपोज ऑफ टू बोन्स क्वाड्रेट बोन्स एंड स्क्वामेटल बोन्स। वेंट्रल विसरल स्केलेटन ऑफ द यूरोमेटिक्स हैज क्वाड्रेट स्क्वामोसल एंड द मैक्जिला प्रोमैक्जिला जुगल टेरिगोइड पैलेटाइन इट इज द हैव द अपर जा एंड द विसरल स्केलेटन। द लोअर जा आर द मिड वेंट्रल मिडल ऑफ द यूरोमेटिक्स हैज आर्टिकुलर विसरल स्केलेटन। बर्ड एंड रेप्टाइल स्कूल आर, तो बर्ड और रेप्टाइल की स्कूल होती है मोनोकोंडिडाइल मोनोकोंडिलाइक या सिंगल कोंडिलिक। एम्फीबिया और फ्रॉग हैज डाई एम्फीबिया एंड फ्रॉग हैज एम्फीबिया और फ्रॉग हैज डाइकोटी कोंडिलिक स्कूल। टेम्पोरल फोसा एंड द पार्टियल फोरामेन हैज स्कूल ऑफ द यूरोमेटिक्स। स्कूल ऑफ द यूरोमेटिक्स हैज मोनोकोंडिलिक ट्राइबेसिक पैराइटेड फोरामेन एंड द टेम्पोरल फोसा। ये सारी चीज़ें स्कूल में पाई जाती हैं यूरोमेटिक्स के। मोनोकोंडिलिक ट्राइबेसिक पार्टिएटेड फोरामेन एंड द टेम्पोरल फोसा। सिंगल एयर ओसिकल्स ऑफ द यूरोमेटिक्स कॉल्ड द कॉलुमेला। टीथ ऑफ द यूरोमेटिक्स इज, तो टीथ यहाँ पर यूरोमेटिक्स के पॉलीडेंट प्लूरोडेंट एंड द होमोडेंट टाइप पॉलीडेंट प्लूरोडेंट एंड होमोडेंट टाइप। एटलस वर्टिब्रेटा फाउंड इन द यूरोमेटिक्स। पेक्टोरल ग्रेड ऑफ द यूरोमेटिक्स हैज सुप्रा स्कैफुला कोरिकोइड एंड द इंटरक्लेविकल जिसे कहते हैं इंटरक्लेविकल आर द इपिस्टरन
स्टर्नम एंड द क्लेविकल है। पेक्टोरल ग्लैंड ऑफ द यूरोमेटिक्स हैज टी शेप्ड एंड टू सिमिलर हाल्व्स लाइंग टी शेप्ड इंटरक्लेविकल। पेक्टोरल ग्लैंड है टी शेप्ड होती है जो कि टू सिमिलर हाल्व की बनी होती है जो कि लाइंग ऑन द टी शेप्ड इंटरक्लेविकल। पेल्विक ग्रिडल ऑफ द यूरोमेटिक्स इज तो कंसिस्ट ऑफ द टू सिमिलर हाल्व ऑफ द ओसा ओसा इनोमिनेटा। वर्टिब्रे ऑफ द यूरोमेटिक्स इज हेटरोसीलस वर्टिब्रेट आर द सैडल सैडल लाइक सैडल शेप्ड हेटरोसीलस या सैडल शेप्ड होती है वर्टिब्रे। थोरेक वर्टिब्रेट आर द यूरोमेटिक्स यहाँ पे सेमन वर्टिब्रेट होती है थोरेक में। स्टर्नम स्टर्नम आर द ब्रेस्ट बोन ऑफ द यूरोमेटिक्स हैज फ्लैट अनसेगमेंटेड। मैंडिबुलेटर फोरामेन ऑफ द यूरोमेटिक्स जो मैंडिबुलेटर फोरामेन ऑफ यूरोमेटिक्स है वो डेंटरी एंड द पोस्टीरियर बोन्स होती है। डेंटरी होती है और पोस्टीरियर बोन होती है। टेल ऑफ द यूरोमेटिक्स इज फॉर्म ऑफ द पाइगो स्टाइल। पाइगो स्टाइल ऑफ द यूरोमेटिक्स इज द लास्ट कॉडल वर्टिब्रा। द थोरोइक थोरिक रीजन सोल थर्सिन थोरिक रीजन इज 16 कंपोजिट बोन्स कॉल्ड सिंसरेसम। फिंगर लाइक बोन ट्वाइस फिंगर लाइक ट्वाइस कंटेन स्मॉल सिलेंडर बोन्स कॉल्ड द फैलेंजस। टीथ ऑफ द यूरोमेटिक्स इज कॉल्ड द प्रेजेंट ऑन पेरिमैक्सिला पेरिमैक्सिली एंड द डेंटरी बोन्स। रिपीट हो रहा क्या ये सेम सारगन ये भी रिपीट हो रहा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और जो फिंगर लाइक टॉयस है उसे कहते हैं फैलेंजर्स फैलेंजेस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद राधे राधे। डोंट वरी बी हैप्पी।